हेलो मेरे फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइपिंग वाल्व के बारे में। पाइपिंग वाल्व को कैसे पहचानेंगे देख करके, और पाइपिंग ड्राइंग में किस तरीका से सिंबल देता है वाल्व का, कौन सा फ्लैंजेड है और कौन सा वेल्डेड है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का यहाँ पर सिंबल बनाया हूँ, किस तरीका से आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वाल्व का सिंबल रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन में ये जितना भी वाल्व देख रहे हैं ये फ्लैंजेड वाल्व है ये सब, और ये लाइन में जितना देख रहे हैं ये सब बट वेल्ड है, यानी कि भी मार के जो वेल्डिंग किया जाता है उसका ये सिंबल है। और सॉकेट वेल्ड का इस तरीका से सिंबल होता है, देख सकते हैं एक डॉट रहेगा और इस तरीका से दो रेखा खींचा हुआ रहेगा वाल्व के साइड में, तो इस तरीका से सॉकेट वेल्डेड का रहेगा। और थ्रेडेड का इस तरीका से सिंबल रहता है, देख सकते हैं उसमें डॉट वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ लाइन इस तरीका से खींचा हुआ रहता है, तो वो थ्रेडेड हो जाता है। अब इसमें वाल्व कितने टाइप का होता है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गेट वाल्व हो गया तो इस डिजाइन में रहेगा, चेक वाल्व हो गया जैसे एनआरबी वाल्व तो इस डिजाइन का रहेगा, बॉल वाल्व रहेगा तो उसमें इस तरीका से राउंड, इसमें एक देख सकते हैं ये ऐसा ही सेम ये भी रहेगा लेकिन इसमें इस तरीका से एक राउंडिंग इस तरीका से बनाया रहेगा डिजाइन, और उसमें हैंडल का जो डिजाइन है इस तरीका से रहेगा एल टाइप का, देख सकते हैं यहाँ पे जो राउंड बनाया गया है इस तरीका से डार्क नहीं है, विदाउट डार्क यहाँ पर एक लाइनिंग खींचा गया है राउंड रेखा। तो ये और जो ये वाल्व का जो सिंबल आप देख रहे हैं एक हैंडल खींच करके, और ये गेट वाल्व का ही डिजाइन में बनाया गया लेकिन इसमें जो ये राउंडिंग जो बनाया गया है एक डार्क कलर का, तो ये ग्लो वाल्व का सिंबल है, तो ये ग्लो वाल्व हो जाता है इस डिजाइन में, ये ग्लो वाल्व रहता है। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इस तरीका का सिंबल दिया गया है या फिर PNID ड्राइंग में सिंबल इस तरीका का दिया है तो वो ग्लो वाल्व आप उसको मानेंगे। और कंट्रोल वाल्व जितना रहता है देख सकते हैं सेम गेट वाल्व का ही डिजाइन रहेगा लेकिन उसका जो ये हैंड व्हील का जो डिजाइन रहेगा उसमें इस तरीका से कैप का डिजाइन बना हुआ रहेगा, तो आप उसे कंट्रोल वाल्व कहेंगे। तो उसमें भी अलग अलग डिजाइन का आता है, जैसे फ्लैंजेड हो गया, वेल्डेड हो गया, सॉकेट हो गया, थ्रेडेड हो गया, इस टाइप का आता है। उसके बाद PSV वाल्व आता है, देख सकते हैं प्रेशर सेफ्टी वाल्व, एंगल टाइप का रहता है इस तरीका से, इसका मैं आपको पूरा डिजाइन भी दिखाने वाला हूँ किस तरीका का रहता है। और ये जो है आपका बटरफ्लाई वाल्व NRV वाल्व के जैसा ही रहता है लेकिन उसमें एक यहाँ पे डॉट इस तरीके से बना हुआ रहेगा, देख सकते हैं बीच में एक डार्क डॉट बना है तो वो बटरफ्लाई वाल्व हो जाएगा। इसमें भी फ्लैंजेड, इसमें दो ही टाइप का इसमें आता है, एक फ्लैंजेड सिस्टम और एक वेल्डेड सिस्टम, लेकिन ज्यादा फ्लैंजेड ही आता है, फ्लैंजेड नहीं आता है, सिर्फ उसमें दो फ्लैंज के बीच में डाल करके उसे फिटअप किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं वाल्व का डिजाइन बनाया हूँ, एक ही तीनों वाल्व एक ही है लेकिन ये फ्लैंजेड है और ये बट वेल्ड है, इधर वाला जैसे ये दोनों वाल्व फ्लैंजेड ही है और ये बट वेल्ड का यहाँ पे सिंबल मैं बना दिया हूँ कि यहाँ पर अगर बट वेल्ड इस तरीके से दे रहा है तो इस तरीके से इसमें भी रहेगा और बिल्कुल सीधा रहेगा, इस तरीके से ये फ्लैंज नहीं रहेगा, देख सकते हैं। अगर ये सॉकेट टाइप का रहेगा जैसे स्मॉल बोर का है तो उसमें अंदर घुसने वाला पाइप सिस्टम बनाया रहेगा, और यह थ्रेडेड रहेगा तो उस तरीके से थ्रेडेड सिस्टम इसमें रहेगा, तो ये बाहर की तरफ भी बना हुआ है, ये बट वेल्ड सिस्टम में ये वाल्व है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये गेट वाल्व है या ग्लो वाल्व है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड व्हील जो है यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर दिखाया गया कि ये क्लोज है और ये ओपन है। अगर हम इसको ओपन करते हैं और इसका ये जो स्टड है ये ऊपर की तरफ बाहर अगर निकल रहा है तो ये गेट वाल्व हो गया। यहाँ नीचे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं जैसे ये ग्लो वाल्व का सिंबल बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका हैंड व्हील जो है यहाँ पर क्लोज में यहाँ पर ये फोटो बनाया गया है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये स्टड के साथ इसका हैंड व्हील भी जो है ऊपर की तरफ जाता है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हैंड व्हील साथ में ऊपर जाएगा, देख सकते हैं अगर इसको हम क्लोज करेंगे तो हैंड व्हील इस तरीके से नीचे आ जाएगा, और इसको हम वाल्व को ओपन करेंगे तो हैंड व्हील इस स्टड के साथ ऊपर जाएगा। तो इसका ये भी पहचान है कि ये जो है ग्लो वाल्व है, और यहाँ ड्राइंग में पहचान है कि यहाँ पे डॉट रहेगा इस तरीके से और इस तरीके से टी का डिजाइन बना रहेगा इस हैंडल का, और बट वेल्ड इस तरीके से रहेगा इस डिजाइन में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये NRV वाल्व है जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, इधर से जाएगा लेकिन आएगा नहीं, और ये बट वेल्ड का डिजाइन में बनाया गया है, इस तरीका का रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी हैंडल वगैरह नहीं रहता है ओपन क्लोज करने के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक तरफ से जाएगा और दूसरे तरफ से नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉल वाल्व का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, तो उसमें अगर स्मॉल बोर अगर आप देखेंगे तो इस डिजाइन में रहेगा, उसमें इस तरीका से एक रॉड वाला हैंडल रहता है, ये सिर्फ थोड़ा सा इसको एक तरफ से दूसरे तरफ घुमाएंगे तो ये ओपन और क्लोज होता है, और नहीं तो बिग बोर डाया में जो रहेगा उसमें इस तरीका का हैंडल रहेगा जो साइड में रहता है,
देख सकते हैं उस तरीका से साइड में रहेगा। इसमें अंदर में बॉल टाइप का रहता है जो घूमता है तो वो क्लोज हो जाता है और ओपन होता है। उसका जो सिंबल है इस तरीका से रहेगा जिसमें डार्क नहीं रहेगा, और हैंडल का जो डिजाइन है इस तरीका से एल टाइप का यहाँ पे बना रहेगा, तो वो ग्लो वाल्व का सिंबल है देख सकते हैं। और फ्लैंजेड है या वेल्डेड है यहाँ पर इस तरीका से सिंबल दिया रहेगा। यहाँ पर फ्लैंज का सिस्टम नहीं रहेगा, यहाँ पर वेल्डिंग का सिर्फ सिंबल देगा। अगर फ्लैंजेड रहेगा तो यहाँ पर फ्लैंज बना हुआ रहेगा। तो इस तरीका से आपको देख लेना है कि ये कौन सा वाल्व है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये स्मॉल बोर का ऐसा रहेगा और बिग बोर में इस तरीका से रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंट्रोल वाल्व का सिंबल मैं बनाया हूँ। कंट्रोल वाल्व में ऊपर में देखे होंगे किसी तरीका का मशीन वगैरह लगा हुआ रहता है जो ये कंप्यूटर से चलता है, कंप्यूटर से कंट्रोल होता है या फिर प्रेशर से कंट्रोल होता है, तो उसको कंट्रोल वाल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें पाइप वगैरह और केबल वगैरह लगता है। यहाँ पे देखे होंगे बहुत सारा मशीन इसमें फिटिंग किया हुआ रहता है इस वाल्व के ऊपर में। उस तरीका का अगर आप वाल्व देखेंगे तो उसे आप जितना भी उस टाइप का वाल्व रहेगा तो उसे आप कंट्रोल वाल्व कहेंगे। उसमें भी फ्लैंजेड और वेल्डेड आता है इस तरीका से। ड्राइंग में सिंबल इस तरीका से आपको आएगा, देख सकते हैं कैसे मैं इस डिजाइन बनाया हूँ। फ्लैंजेड रहेगा तो इस टाइप के, वेल्डेड रहेगा तो इस टाइप का रहेगा, और इस तरीका का इस कंट्रोल वाल्व का डिजाइन रहता है। अब यहाँ फोटो में देख सकते हैं ये जो मैं बताया PSB वाल्व इस तरीका का रहता है, देख सकते हैं ये PSB वाल्व है, ये भी PSB वाल्व, ये फ्लैंजेड है, ये भी फ्लैंजेड है, और ये थ्रेडेड है, ये PSB वाल्व का डिजाइन है। ये भी PSB है प्रेशर सेफ्टी वाल्व, देख सकते हैं ये मैं डिजाइन बनाया हूँ, ये ओरिजिनल सब डिजाइन है, देख सकते हैं ये ओरिजिनल फोटो है PSB वाल्व जो मैं बताया आपको, यहाँ पर ये वाला PSB वाल्व, यही ये सब PSB वाल्व है। यहाँ पर देख सकते हैं इस दो फ्लैंज के बीच में ये जो वाल्व लगा हुआ है ये बटरफ्लाई वाल्व है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाल्व लगा हुआ है इसे स्टेनर कहते हैं, स्टेनर वाल्व है। इसमें एक जाली रहता है, इसमें जो केमिकल यहाँ से जो पास करेगा तो वो फिल्टर करके यहाँ से आप उसका कचरा यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो वाल्व है ये ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये गेट वाल्व लगा हुआ है, लेकिन हम इसको हैंडल देखेंगे ओपन करके कि इस हैंडविल ऊपर जा रहा है या फिर उसका रड ऊपर जा रहा है, तो हम पहचान कर सकते हैं कि ये दोनों कौन सा वाल्व है। और ये बीच में जो ये वाल्व लगा हुआ है इसको हम कंट्रोल वाल्व कहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा सिस्टम है तो इसे हम कंट्रोल वाल्व ही कहेंगे। यहाँ पर वाइट टाइप का एक ग्लो वाल्व यहाँ पे लगाया गया है इस फुटेज में। यहाँ पे देख सकते हैं इस पाइप में गेट वाल्व यहाँ पर फिटअप किया गया है, देख सकते हैं ये पीला वाला जो है ये गेट वाल्व है, ये बिग बोर डाया का है इसलिए इस डिजाइन में, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फिटअप किया गया है, और ये कंप्यूटर से भी चलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिग बोर डाया का बॉल वाल्व है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया, ये देख सकते हैं यही वाला जो वाल्व है बॉल वाल्व, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो डिजाइन है ये वही डिजाइन है जो मैं बताया था। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये NRV वाल्व है जो मैं यहाँ पर आपको बताया कि NRV वाल्व कैसा होता है, देख सकते हैं ये वाला जो NRV का जो मैं बताया चेक वाल्व ये वही है, देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ, इसमें ऊपर में कोई हैंडविल वगैरह नहीं होता है। और ये जो वाल्व का जो फोटो देख रहे हैं ये ग्लो वाल्व का फोटो है, इसमें देख सकते हैं ये फ्लैंजेड है और इसका जो बोल्ट है यहाँ पर जो टाइट किया गया है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये स्टड के साथ बाहर आएगा और अंदर जाएगा, ये जो व्हील है स्टड के साथ बाहर आएगा और अंदर जाएगा। अगर ये हैंडल वहीं का वहीं रहता है और स्टड बाहर अंदर होता है तो वो गेट वाल्व हो जाता है, यही इसका पहचान है। तो ये जो है ग्लू वाल्व है, और इसमें देख सकते हैं स्टेनर लगा हुआ है और उसके बाद एक बटरफ्लाई वाल्व ये सब लगा हुआ है इस फोटो में। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी ग्लो वाल्व यहाँ पर फिटअप किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्रेडेड बॉल वाल्व है, ये थ्रेडेड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल हैंडल इस तरीका से इसमें रहता है और ये थ्रेडेड सिस्टम है और ये बॉल वाल्व है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो वाल्व लगा हुआ है ये गेट वाल्व है, देख सकते हैं ये हैंडल जो है इसको ओपन किया गया है तो स्टड जो है बाहर निकला हुआ है, तो इसे हम गेट वाल्व कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वही ग्लो वाल्व का, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लो वाल्व लगाया गया है इस फोटेज में। और यहाँ पे देख सकते हैं तीन चार वाल्व यहाँ पे लगाया गया है, तो कौन कौन सा वाल्व है, यहाँ पर दो वाल्व यहाँ पे लगाया गया है, ये कंट्रोल वाल्व है। उसके बाद ये वाला जो लास्ट में एक हमें वाल्व दिखाई दे रहा है तो ये स्टेनर वाल्व है, तो इस तरीका से हम पहचान करते हैं। देख सकते हैं नीचे की तरफ एक यहाँ पे निकला हुआ रहेगा इस तरीका से 45 डिग्री में, उसे हम स्टेनर वाल्व कहेंगे। तो फ्रेंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट का नाम है fittertraining.com, ये नया वेबसाइट बनाया हूँ और आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं किस तरीका से मैं ये सब डिज़ाइन वगैरह बनाया हूँ। आप यहाँ पर विजिट करें, वेबसाइट का अपना लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीका से वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और नीचे इस तरीका का रेड बटन होगा उसे आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।